नमस्कार दोस्तों, शब्बा खैर आदाब सत श्री अकाल और छोटों का क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे टेकटॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में कुछ अमेजिंग टेक शानदार मसालेदार टेक अपडेट्स को लेकर। तो वीडियो कर दो जल्दी से लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अपने पहले फ्रेश टेक अपडेट को लेकर। तो भैया, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सोलर विंड के पीछे जो साइबर अटैक हुआ था, जो टीम उसके पीछे थी, अब वो टारगेट कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओस को। तो अगले फ्रेश अपडेट की बात करें तो ट्विटर ने जो है वो ब्लू पेड सब्सक्रिप्शन जो है वो लॉन्च कर दी है। हर पेड सब्सक्राइबर को जो है वो क्लब स्टाइल स्पेसेस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। हर चीज़ें अब पेड ही हो रही हैं। तो बात करें अगले फ्रेश अपडेट की। आप सब लोग जानते हैं कि टाटा का कुछ ऐसा दौर आया था जब वो अपना मोटर कॉर्प का बिजनेस जो है वो फ्रेंच में फोर्ड को बेचने चले गए थे, लेकिन उन्होंने किया एक कमबैक और फ्रेंच फोर्ड ने जो है जैगुआर और रेंज रोवर जैसी अपनी बिग कंपनीज को वापस टाटा को बेच दिया था। अब टाटा ने किया है अमेजोन से बदला लेने के लिए एक और नई साजिश। तो टाटा डिजिटल ने जो है वो मेजोरिटी स्टेक जो है वो बिग बास्केट में ले लिए हैं, लेकिन दाम जानते हैं अब इसका 9,500 करोड़ रुपये। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को झटका दे दिया। तो अगला अपडेट भैया, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, व्हाट्सएप के बारे में फेक मैसेजेस मत फैलाओ। काफ़ी ज़्यादा जो मैसेजेस हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि अब ट्रिपल टिक आ जाएंगे। ट्रिपल टिक में रेड टिक भी होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ हल नहीं निकला इसका। तो भैया कृपा करके ऐसे डिंडोरे मत पिटवाओ। भैया अगला फ्रेश अपडेट जो है वो है वन प्लस को लेकर। वन प्लस ने अपना नया वॉलपेपर ऐप जो है लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव वॉलपेपर जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी शानदार तो इसको कह नहीं सकते क्योंकि ग्लांस ने ऑलरेडी ये फीचर लॉन्च कर दिया है। कॉपी मत मारो यार। अगला जो अपडेट है वो है आईकू को लेकर। आईकू के फ़ोन्स आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा गेमिंग के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचा चुके हैं, और आईकू ने जो है वो जेड सीरीज़ लॉन्च कर दी थी, जिसमें Z1 और Z1 प्लस का जो है मॉडल लॉन्च किया था। अब Z3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है आईकू ने। होगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 84 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, लेकिन इसमें बैटरी काफ़ी कम है जो कि है 4400 mAh। लेकिन इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 31,990 ओनली। ओनली लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चाइना में जो है ये सेम पीस 18,900 में मिल रहा है, तो ओनली का क्या मतलब। तो अब बात करते हैं गूगल को लेकर। गूगल मैसेजेस जो कि नया ऐप गूगल ने मैसेजेस के लिए लॉन्च किया था, उसका एक प्रो वर्जन नया मार्केट में लॉन्च होने ही वाला है, जिसकी जो है टेस्टिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बात करें सैमसंग को लेकर। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट जो कि है 8.7 इंचेस का, वो लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही में गैलेक्सी 7 FE का प्राइस भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि होगा 66,700। और इसके जो प्री बुकिंग है वो June 2 और जो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन है वो June 18 से शुरू हो जाएगी, लेकिन UK में, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। तो भैया अगला फ्रेश अपडेट ओप्पो को लेकर। ओप्पो ने कहा था कि एनको फ्री 2TWS ईयरबड्स जो वो जल्दी लॉन्च कर देगा, तो आज भैया वो हो गए लॉन्च, जो कि है 30 hours के प्लेबैक टाइम के साथ। इसका जो है वो प्री ऑर्डर June 5 से शुरू हो जाएगा और इसका प्राइस जो है वो रफली डिसाइड किया गया है 6,800। तो आप सब जानते हैं कि PS5 की डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है चिप शॉर्टेज को लेकर, लेकिन मैं बता दूं कि बोमन ईरानी ने PS5 ऑर्डर करके बता दिया कि बेटा बॉस में ही हूँ। इस उम्र में गेम खेलने की एक्साइटमेंट देखो। तो अब बात करें, हम चिप शॉर्टेज की ही कर रहे थे, तो अब हम बात करें डेल HP को लेकर। डेल और HP ने कह दिया है कि चिप शॉर्टेज की वजह से जो है PC के डिस्ट्रीब्यूशन में इस साल कमी आ सकती है। तो अब बात करें हम आपके फेवरेट आईफोन 13 को लेकर। तो आपके आईफोन 13 में जो है वो कर दिया है कि वो अब आईफोन 13 में जो है वो DSLR वाला कैमरा दे सकते हैं अपने यूज़र्स को। तो बस फिलहाल की वीडियो इतना ही। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और सोशल मीडिया साइट्स पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।